आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। इस वर्ष रीवा से हज यात्रा पर जा रहे लोगों के पहले चरण की ट्रेनिंग का काम पूरा हो गया। रविवार को लगन मैरिज गार्डन में वहीदून मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से हज पर जाने वाले लोगों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें ट्रेनरों एवं जानकार हाजियों ने हज के दौरान पेश होने वाले अरकान और होने वाली दिक्कतों से बचने की जानकारी दी। रीवा जिले में इस बार 44 हज यात्री हज के लिए जा रहे हैं, जिनमें महिला और पुरुष शामिल हैं। हज 2024 की शुरुआत हो चुकी है। रीवा से भी 44 लोग इस बार हज के लिए जा रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को मक्का और मदीना में किसी तरह की कोई परेशानी न हो, उसको लेकर रीवा में वहीदून मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से हज ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में हज में जाने वाले लोगों को बताया गया कि किस तरीके से सफर करना है, मक्का और मदीना में कहां कहां ठहरना है, वापसी किस तरीके से करनी है। इसके अलावा हज के अरकान किस तरीके से पूरे किए जाने हैं, इसकी जानकारी भी दी गई। इस बार हज में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, कितना पैसा लगा, जैसे पिछले बार भोपाल से जाने इस साल रीवा से जाने वाले सारे हुज्जाज लगभग मुंबई से जा रहे हैं, जहां से इस बार पिछले साल के लगभग बराबर ही किराया है। पिछले साल भोपाल से ज्यादा होने के कारण इस बार सब लोगों ने रीवा ही चूज किया था, मुंबई ही चूज किया था, और लगभग सारे लोगों की रवानगी मुंबई से है। हज का ये आज यहाँ पर ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम लोगों की सभी की, खासतौर पे हाजी कलीम साहब की, ये कोशिश रहती है कि वो यहाँ से सब कुछ बिल्कुल मुकम्मल तरीके से सीख करके जाएं, जिससे उनका हज मकबूल और कबूल हो। हज कमेटी द्वारा हर साल लगातार कुछ ना कुछ हाजियों की सहूलियत के लिए अपडेट्स करते रहते हैं, हर साल की परेशानियों को देख करके और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है करते हैं। जैसे इस साल उनने एक हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है, जिसमें आप जो साथियों के बिछड़ने का, और एक दिक्कत आती कि आपके नज़दीक बस स्टैंड कौन सा है, आपका होटल कहाँ पर है, आपके ग्रुप में कहाँ लोग हैं, वो इस समय कहाँ पर है, अब वो सारी चीजें एक हज ऐप से अगर आप अच्छे से सीख करके जाते हैं, चलाते हैं, तो ये सारी चीजें उसमें आपको ये परेशानियां दूर हो जाएंगी। हज सुविधा ऐप में लोकेशन की बहुत बड़ी सहूलियत है, आपका अगर बैग गुम जाता है वो कहाँ पर है, किसको मिला है, कैसे मिला है, आप तक कैसे पहुंचेगा। इसी प्रकार से जितनी थोड़ी थोड़ी दुश्वारात आते थे, उन सबको दूर करने की कोशिश की गई है। इसके द्वारा इस बार कितने जा रहे हैं, क्या कुछ नियम है? देखिए, ये आज का प्रोग्राम पिछले 23 साल से श्रीमती वहीदुन निसा मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, जहां पर हज में जाने वाले लोगों को हज के दौरान किए जाने अरकानों की जानकारी दी जाती है, जिससे अरकान अगर सही नहीं होंगे तो उनका हज नहीं होगा, इसका ख्याल रखते हुए इस प्रकार का आयोजन पिछले 23 सालों से लगातार कर रहा है। इस बार रीवा जिले से 36 हज यात्री जो है वो के नाम से हज कमेटी से जा रहे हैं, और 8 जो है वो प्राइवेट ट्रेवल से जा रहे हैं, और 12 लोगों का अभी वेटिंग लिस्ट पे नाम है, हो सकता है उसमें से 2-4 और कवर हो जाए। तो अभी फिलहाल 44 लोग हज में जा रहे हैं, और आज ये पहली ट्रेनिंग है। दूसरी ट्रेनिंग जो है उसी मस्जिद में 19 तारीख को सुबह 10 बजे से होगी। सभी लोगों से गुजारिश है कि दूसरी ट्रेनिंग में भी हाजिर होने की कोशिश करें, क्योंकि हाजियों को एक यही जानकारी दी जाती है, अगर आप अरकान सीख कर नहीं जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, आपका हज का कबूलियत भी पक्का नहीं होगा। इसलिए हमारे ये काम करते हैं और सबसे गुजारिश करते हैं कि अरकान सीख के जाएं, जरूर जाएं, इंशाल्लाह आप सबका सफर हज का आसान हो और अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए।